ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਈ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਤਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਕਿ ਹਵਾ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਹਵਾ ਤੋੜਨੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਾਂ ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਨੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆਬਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਸੋ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰ ਸਕੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਰ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਇੰਨੇ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ अकाल तख्त के जज्बे ना चैलेंज कर सकता देखो सिखां दी सुप्रीम पावर नास्तिक लोग ने इन्हां दा गुरु च परमात्मा च वाहिगुरु च विश्वास नहीं और ये कुछ भी कर सकते हैं मैं तो सीधी गल कहूँगा क्योंकि 14 तो बाद ही क्यों शुरू हुए है ना वो दूजे स्टेट जिते मनोरिटी ने सिख जिते गुरु ग्रंथ साहब गुरुद्वारे बहुत इदा जगह थे जिते कभी भी इदा काम किया आज उन्होंने स्टेट नहीं कभी हुई ਅਤਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਖੜੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਖੜਨਾ ਹੈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ जलंधर दी जिमनी चोणां नूं लै के चोण अखाड़ा पूरी तरह भखिया होया है वख-वख सियासी पार्टियां दे वल्लों आपदे आपदे आगूआं नूं जिहड़ा मैदान दे विच उतार चुके ने सो इस वेले साडे नाल मौजूद ने श्रोमणी अकाली दल बसपा दे उम्मीदवार सुखजिंदर सिंह सुखी जी सुखी जी सब तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा स्काई न्यूज़ पंजाब धन्यवाद जी सत श्री अकाल कांग्रेस दावा कर रही है कि पिछले लंबे समय तो जिहड़ा जलंधर की जिमनी चोण जलंधर की सीट के उत्ते कांग्रेस का राज है सो इस बारी अकाली दल लई किवें देखदे हो किन्ना क चैलेंजिंग है तुहाडे देखो जदों जदों भी बहुजन समाज पार्टी श्रोमणी अकाली दल का गठजोड़ होया बेशक वह गिदड़बाह की बाई इलैक्शन हो बेशक वो 1996 के पार्लियामेंट का समझौता हो और हुण दी इस जिहड़ी मौजूदा इलैक्शन बाई इलैक्शन ये उही इतिहास दोहराएगी जो 1996 पार्लियामेंट च और गिदड़बाह की बाई इलैक्शन दोहराया सी मैं समझदा कि चुनौती जिहड़ी आ उह इही है कि असीं अपने वर्करां नूं लामबंद कर रहे हैं और साडे वर्कर लामबंद ने क्योंकि जदों असीं इकट्ठे होकर अपनी जित कर सकते हैं तो मैं समझदा अज तुहाडे सामने इकट्ठ हुआ कि जिहड़ा लोक किस तरह लामबंद होए किन्ना उत्साह है किस तरह जोश है अज यही साडी जित दा कारण आ सुखी जी जेकर विरोधी धिरां दी गल करिए तां जदों तुहानूं उम्मीदवार ऐलानिया जांदा है सो उस वेले विरोधी धिर लगातार ये कह रही है कि अकाली दल जिहड़ा धोखा कर गई बंगिआं दे विच वी ते जलंधर दे विच वी कि आउटसाइड तो बंदा लिया के जलंधर तो उम्मीदवार ऐलानता क्योंकि लगता सीगा कि जिहड़ा तुसीं स्ट्रैटेजी बंगिआं दे विच चलाई के हवा सीगी आम आदमी पार्टी दी सो तुसीं आपदी सीट बचा के उही स्ट्रैटेजी तुसीं जलंधर 'च वी चला दूंगे हवा तोड़नी तां आया मैं देखो जेकर आम आदमी पार्टी राज सभा के 7 मैंबरों चो 4 मैंबर बाहरले स्टेटां दे सकदी है और जेकर कांग्रेस का प्रधान करनाटका जां उह यूपी तो इलैक्शन लड़ सकदा जेकर अपना मोदी साहब गुजरात तो चल के बनारस तो इलैक्शन लड़ सकदे आ तां मेरे इलैक्शन लड़न वालों नूं की इतराज़ आ पर इहनां नूं इह पता आ कि उत्थे जदों आम आदमी पार्टी की लहर सी
उत्थे भी लोगों ने मैनू चुनिया और इत्थे भी लोग उन्ने ही सियाने आ वो मैनू मौका दे के वो लोग सभा च भेजणगे। सुखी जी जेकर गल करिए पहला दुआबा एक इदा एरिया मनिया जाता है जिते बसपा का वोट बैंक बहुत सगा। सो जेकर हुण दी गल करिए सिर्फ नवांशहर दे विच बसपा आपकी सीट पक्की कर सकी है, उस तो इलावा वोट बैंक लगातार टुटता जा रहा दुआबे दे विच। की लगता तुसीं द्वारती रिवाइव कर लूंगे? देखो तुहाडे सामने ही आ इन्ने नीले झंडे दा तुसीं जनरल इलैक्शन नहीं देखे होने जिन्हें बाई इलैक्शन चा। देखो ये समय समय की गल हुंदी आ, अज लोकां ने पिछली बारी हो सकदा वो गुमराह हो गए बदलाव के चक्कर च पै गए, अज लोगों को पता लग गया कोई गुमराह का फायदा नहीं, एक कहिंदे कांशी राम की थ्यूरी नाल चल के फायदा है, कांशी राम की सोच नाल चल के फायदा है। सो मैं समझदा कि अज लोगों ने एक गल मन बना लिया कि असी सब कांशी राम की जी सोच उत्ते खड़ना और जोड़ा भी गठजोड़ आ वो उन्होंने जिताना है। और मैं समझता यही गल हुंदी है जो दो पार्टियां का अलायंस हुंदा जो उन्हें विश्वास बन गया तो सरकार अपने अपनी सरकार भी बन जाती, कोई बंदे जित भी जाते हैं। सुखी जी इस वेले पंजाब सरकार की कार्यगुजारी किवें देखते हैं? पंजाब के मौजूदा माहौल की गल करा तो बेअदबी के उत्ते जिहड़ा चाहे वह कांग्रेस होवे चाहे वह आम आदमी पार्टी होवे, कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह गुटका साहब फड़ के सहु खा गए थे, तो जे हुण इत्थे आम आदमी की गल करिए अरविंद केजरीवाल भी जिहड़ा सहु खा के गए थे 24 घंटे के इंसाफ दे देंगे, पर ना तो बेअदबियां रुक रही, ना नशा खत्म हो रहा, मुद्दे पंजाब के भटकते जा रहे हैं। देखो एक गल नोट करो, जदों की आम आदमी पार्टी आई है जदों 14 च इन्हां दे 4 MP बने, उस तो बाद बेअदबियां शुरू हुई। देखो ये लोग जिहड़े एक तो रब नूं जे भगवंत मान तो अकाल तख्त दे जथेदार नाल चैलेंज कर सकदा उहनूं, तां कहिंदा कि देखो सिखां दी सुप्रीम पावर आ उह क्योंकि नास्तिक लोग ने, इन्हां दा गुरु च परमात्मा च वाहिगुरू च विश्वास नहीं और एक कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो सीधी गल कहूँगा क्योंकि 14 तो बाद क्यों शुरू होए है ना, दूजे स्टेटां जिथे मनोरिटी च ने सिख जिते गुरु ग्रंथ साहब गुरुद्वारे बहुत इदा जगह पर जिते कभी भी इदा काम किया पर अज उन्हां स्टेटां नहीं कभी होए। ये पंजाब जिते ये सारा कुछ इत्थे ही है ना, इत्थे जिते सिख मेजोरिटी चा जे उत्थे होंदियां इहदा मतलब जदों दे ये आए कोई ना कोई लालच काला काला। सो लोग समझ गए क्योंकि सिट इन्हां दी प्रूव नहीं कर सकी, जिन्हें कहिंदे जी अकालियां ने कराया बादलों ने कराया और इन्हां दे हुण तां चलान भी पेश हो गए, उन्हां दी जमानत भी हो गई जिन्हां दे जिन्हां नूं एलीगेशन लाए जिन्हां ते। तो मैं समझता कि जी इन्हां दी राजनीति बड़ी बखरी है और ये लोग जिहड़े आ ना ये सदा ही झूठ बोलते आ, दिल्ली दे विच झूठ बोलिया हुण इत्थे कहिंदे बीबी नूं कहिंदे 1000-1000 रुपये देना देता बीबिया उड़ीकदा कि गिनती सी जिन्ने बंदे उन्नी भी ने और इतने 8 लाख के करीब वोटा है बीबिया दियाँ और इन्होंने इन्हों दसना सबक सिखाना भी कभी झूठ नहीं क्योंकि हर बारी झूठ नहीं चलता होंगे। और मैं समझता कि हिमाचल के लोग गुजरात के लोग सियाने निकले जेडे समझ गए कि ये झूठे लोग ने और यह तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो ला के भी वो जे मन वाले वो समाज लोग उन्होंने झूठ बोलते हैं। मैं समझता कि जिहड़ा इन्होंने ना ला अफसर के सरकार ने हाई कोर्ट एफीडेविट दिता कि सर जिहड़े SC समाज के लोग ने इनएफिशिएंट ने इन्हां दे दिमाग घट वा ये अपनी अहुदियां नाल जस्टिफाई नहीं कर पाते, लोग इस गल का बड़ा इतराज़ है लोगों को, इन्ने नीले झंडे बाहर निकले ना ये भी एक कारण आ। और कहिंदा BJP इन्होंने गुरु रविदास महाराज का उत्थे मंदिर ढाया दिल्ली के BJP के नाल केजरीवाल नाल रल के वो भी लोगों के दिमाग च अजे बसया आ। सो लोगों ने कांग्रेस गुटका साहब तुसीं आप कहा सहु खाधी, चन्नी साहब एक महीने का ही बिल मैं लगता 60 लाख रुपए नेड़े चाहे पी गए, वो 10 करोड़ रुपये रिश्वत तो फड़िया जाना और सारिया रेत दियाँ जिन्हिया भी सगिया खड्डा वो सारिया के कब्जा होना और कहना मतलब तुसीं धर्म के नाते अपने मुंडे का ब्याह ही कर गया बिचो एक फंक्शन किया धार्मिक जिन्ना पैसा बचा वो उत्थे खा गया अपने मुंडे के ब्याह के, लोग सब जानते हैं लोगों ने इन्हों तो बदला लेना वो ले लेना। सुखी जी जाते जाते एक आखिरी सवाल ले लें कि CM भगवंत मान के वालों जो पहला जथेदार ट्वीट करके जवाब दिता गया, सो उस तो बाद जो हुण की गल करिए जलंधर दी जिमनी चोणां नूं लैके तो SGPC प्रधान हरजिंदर धामी के उत्ते सवाल चुके गए हैं कि एक पंथक दे होके जिहड़ा ने एक सियासी पार्टी के उत्ते कर रहे हैं प्रचार कर रहे हैं तो उत्ते इल्जाम भी लगाया कि जिन्होंने बेअदबियां कीतियां उस पार्टी का खास करके वो प्रचार। देखो SGPC उस वेले बनी सी जदों जिहड़ा लोगों को धार्मिक आजादी नहीं सी और उन्होंने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक साल बिच कहिंदा श्रोमणी अकाली दल बन गया सी। ये देखो ये जो मीरी पीरी का सिद्धांत है ना ये सिखी च ही आ, सो मैं कहना ये समझदा कि उन्होंने शायद भगवंत मान नूं पता ही नहीं वी सिख धर्म की बुनियाद जिहड़ी आ उह मीरी पीरी ते खड़ी आ और मीरी पीरी के सिद्धांत ते चलदे होए कोई भी बंदा नाल सच नाल खड़ना है सच नाल तां कोई कि तुसीं सोचदे हो कि जिहड़े महापुरश ने वो वोटा नहीं पाते वो वोटा हिस्सा नहीं लेंदे,
सो ये तो एवं दल जो हार दिखती है ना बुखलाहट आ बुखलाहट आ भगवंत मान जी की वह कभी कोई एलीगेशन लागे पर मैं तो यह समझता जोड़े बंद ने ना अकाल तख्त न पंगा लिया ना जिन्हें उन्होंने अखा दिखाई तो परमात्मा वह छड़ता कुछ नहीं भगवंत मान के दिन आ गए हूँ। जलंधर वासियों की अपील करना चाहोगे? मैं तो यही अपील करूँगा कि देखो झूठ सच का ना आपे नितारा करो वो पता थोनू लगता भी जिन्होंने जो किया वो किया जा उन्होंने पा दौ या जिन्होंने किया कुछ तो किया कुछ नहीं जा सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब जिन्होंने सारी उम्र पंजाबियों की देश की सेवा की कभी भी उस वेले भी जो इस सूबे के हालात बहुत खराब से उस वेले भी उन्होंने सिख हिंदू मुसलमान ईसाई भाईचारे को कायम रखने हर तरह की कुरबानी की इको एक देश के अंदर वो लीडर होए आ जिन्होंने सिर्फ तो सिर्फ देश को अगे बढ़ाने लिए पंजाब को अगे बढ़ाने लिए लोगों की बेहतरी लिए काम किया। मैं समझा उन्होंने लोग श्रद्धांजलि देंगे 10 तरीक में वोट पा के। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुखी जी अपना कीमती समा सानू देने लिए। सो ये सन साडे नाल श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार डॉक्टर सुखविंदर सुखी। सो जिन्हां ने जलंधर दी जिमनी चोणां नूं लै के दावा किया कि जलंधर की सीट जिहड़ा आ लोग श्रोमणी अकाली दल के खाते के पाउणगे क्योंकि पंजाब सरकार ते कांग्रेस की कार्यगुजारी उन्हां दे वल्लों देख ली गई है। सो किते ना किते उन्हां दे वल्लों जिहड़ा जथेदार दे उत्ते ते SGPC प्रधान दे उत्ते सवाल चुके जा रहे सीगे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे वल्लों, सो उन्होंने उत्थे भी स्पष्ट किया कि अकाल तख्त साहब का मत्था लाने वाला जिहड़ा है वह लंबे सिर नहीं चलता। सो लगातार जिहड़ा है एक दूसरे के उत्ते प्रतिक्रियां चलदियां रही ने। सो उम्मीद करते हैं कि तुहानू साडा ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। कैमरामैन अंकित दे नाल विवेक कुमार जलंधर।